Hey guys, welcome back GTA San Andreas Mobile के another episode में। और इससे पहले वाले एपिसोड के स्टोरी मिशन में हम लोगों ने पूरी तरह से लोको सिंडिकेट को खत्म कर दिया। लोको सिंडिकेट में वही लोग हैं जिसके मेंबर में जीजीबी, टीबोन और माइक टोरेनो आता है। और इन सब के साथ ही साथ हमारा धोखेबाज फ्रेंड राइडर को भी हम लोगों ने खत्म कर दिया। और लास्टली हमें जेथ्रो का कॉल आता है। Yo, it's Jethro, man. वो हमें बताता है कि सीजर के साथ मिलके उन दोनों ने अपने जान पहचान यानी सोर्स से कुछ गाड़ियों की लिस्ट निकाली है या निकाला है जिसका डिमांड मार्केट में बहुत है। मतलब सिंपली हमें इन गाड़ियों को एनी हाउ हथियाना है और इन सबको लीगली बेचना है। और इन सबको बेचने के लिए ही जेथ्रो हमें शोरूम खरीदने की बात कर रहा था, जो ऑफ कोर्स इस फोन कॉल के बाद अनलॉक हो चुका है और आज हम लोग इसको खरीदेंगे। लेकिन पहले हम लोग उस फोन कॉल को रिसीव करेंगे जो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने रिसीव नहीं किया था। डेफिनेटली ये वही अननोन पर्सन है जो हम लोगों को पिछले एपिसोड में बिना मतलब का मॉन्स्टर ट्रक चलवाया, और वो हमारे भाई के बारे में बहुत कुछ जानता है और हमारे फैमिली के बारे में भी। तो पहले हम लोग इसकी बातों को सुनते हैं, उसके बाद ही हम लोग शोरूम खरीदेंगे। सो लेट्स गो गाइस। ऑलराइट गाइस, तो गेम अभी जस्ट लोड हुआ है तो उस अननोन पर्सन का कॉल आता ही होगा। ओके, हु द फक इज दिस? Get back to the ranch, and I'll explain everything. And I mean everything. Can't you just tell me now? I guess not. Okay, क्या हम सही जगह? ठीक है, सही जगह खड़े हैं हम. Okay, मिशन का नाम है High Jack. Hey, Carl. Hey, what the fuck, man? Hey, Torino, I told you my bad, man. What the hell can I say? I screwed you Calm over. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't number the fucking Yayo dealer anyway, Torino. Shut up and sit down. You think I'm a drug dealer? And you think you're a crusader for good? Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Do you? Do you? Nah, I pay as little attention to things as possible. Do not be a fucking smartass with me. I work for a government agency. It is not important which one. I will try not to confuse you. Yes, when we last met, I was involved in battling threats in Latin America by any means necessary. That does not make me a drug dealer. Now, the money that we raised, the friends that we won over, have helped us immeasurably in our overseas interests. Government agency? Kids like you, you expect heroes. We're fighting a war out there. I'll be a hero and I'll lose. And what do we have? Communism in Ohio. People sharing. Nobody buying stuff. That kind of bullshit. So relax and listen. All right, I'm listening. I know what kind of guy you are. I need a guy like you to do things I can't get caught doing. Like what? I need you to commandeer a truck. A rival agency with a confused social agenda. They got things that we need. Now, this is a two-man job. You'll need a friend. Use your sister's boyfriend, but don't tell him a thing. Remember, I'll be watching you. ठीक है, तो टोरेनो मरा नहीं था, वो एक गवर्नमेंट एजेंट है और वो अंडरकवर था लोको सिंडिकेट में, और वो अपना एक काम भी हमें दे गया जिसमें हमें सीजर की जरूरत पड़ेगी। I got here as fast as I could, CJ. Yeah, you sure did. How you know I needed help? Man, you losing it, Holmes. You phoned me a half hour ago. I did? I mean. Oh yeah, I did. Sorry man, I got a whole lot on my mind. Okay, call तो हमने किया नहीं, ये definitely Torino का ही काम है। We need to jack a truck on the freeway. It's headed to San Fierro. ठीक है, तो हमारा मिशन है एक ट्रक को कमांडियर करना है। एक सेकंड, हम लोग ये पटरी रास्ता से नहीं जाते हैं, ये हम लोग बाय रूट जाते हैं ताकि कुछ कन्वर्सेशन होता है अगर हम लोग रोड से जाएंगे तो। ठीक है, हाँ, तो हमारा मिशन एक ट्रक को कमांडियर करना है, यानी कि सिंपली भाषा में हाईजैक। ठीक है, कन्वर्सेशन यहाँ होता है, उसे जैसा कि हम बोले पटरी से अगर आप लोग जाओगे तो ठीक है, तो वो ट्रक ऑलमोस्ट बहुत सामने ही है तो हम लोग को थोड़ा, अरे यार ये सब हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से चलाना होगा क्योंकि ये ट्रक को कैच करना थोड़ा सा मुश्किल है।
ठीक है, पता नहीं चल रहा है उसे कि हम सही चला रहे हैं या नहीं। जंप, ओके। अरे भाई कहाँ ले जा रहा है? अरे पलट मत जाइयो। ओके ब्लू हो गया, यानी कि हम लोग अब बैठ सकते हैं इस पे। ठीक है, तो अब इसे हमें पहुंचाना है गैराज में, अपना ही गैराज है भाई, पहुंचा देते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ही लंबा गाड़ी है, तो हाँ तो ये ज़्यादा लंबा, ठीक है तो ये ज़्यादा लंबा गाड़ी है, तो इसको हम लोग इस रास्ते से ले जा सकते हैं, बस ये अलग ना हो जाए। तो हमको थोड़ा सा ध्यान से चलाना हो। अरे यार पुलिस वाला, ओ कुछ हुआ नहीं, ठीक है बच गए। अरे यहाँ भी पुलिस, अरे बाप रे। ठीक है कोई बात नहीं, ये तो वन स्टार है, हम लोग इसको आराम से इग्नोर कर सकते हैं, मतलब बच सकते हैं इससे हम लोग। ठीक है, तो लाल बत्ती दिख रहा है, मतलब लाल मार्क दिख रहा है, हम लोग पहुँच गए और हमारा ये मिशन भी कंप्लीट हो गया। और ये हमको बिल्कुल नहीं समझ में आता, ये इतना लंबा ट्रक है, पता नहीं इसके अंदर कैसे ये अट गया है। अब खैर एनीवे, तो अभी हम लोग वो शोरूम खरीदेंगे जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो जल्दी से वहाँ जाते हैं। एंड ये शोरूम खरीदने के बाद सीजर का मिशन अनलॉक हो जाता है। ठीक है, ओके किसी का। ठीक है, तो टोरेनो अपना मार्क मिशन दे गया है, मार्क मिशन मतलब अब वहाँ जाके हम लोग मिशन कर सकते हैं, उसको अलग से कॉल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे, फिलहाल इस शोरूम को हम लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, और ये शोरूम खरीदने के बाद क्या होगा कि सीजर का मिशन अनलॉक हो जाएगा और हम लोग अभी सीजर का ही मिशन करेंगे। वाओ ये बहुत अच्छा जंप था। So this is it, huh? The great new business venture that's supposed to save all of our worthless lives? Want to get in? Look, I thought this was supposed to be our foot on the ladder. I thought we were gonna make this place work. Hey, it might look like we playing cards, but we actually planning. Don't worry, sweet baby. We're about to go get our first project. At last, it works. What works? Oh, just a simple bit of electronic wizardry and intellectual bombast that hacks into the state-of-the-art satellite immobilization technology on board our target vehicle. Oh, me. I don't know what he just said, but it's on. Yes, it's on. Wait, what's on? Okay, तो गेम 1992 में सेट है, आप लोग जानते ही हो। On cell phone signals. Each time she makes a call, it will give you the new location. You have to stay close if you're going to get an updated position, though. Okay? For sure. Good looking, Z. तो ये हैक करना, सेल फोन सिग्नल को ट्रैक करना, ये सब एकदम नया है यहाँ में, तो फिलहाल हम लोग को यही सेल फोन के थ्रू किसी को ट्रैक करना है, ये रहा। तो एक्चुअली पता था यहाँ में आसानी से आ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ आ गए हैं। ओके, तो इस गाड़ी को हमें मोड़ना है, मतलब अगर आप लोगों ने स्कूल ट्रेनिंग किया है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा लेट में हुआ लेकिन आखिरकार हो ही गया। खैर अब हम लोग इसे पहुंचाते हैं अपने गैराज में। और ये गाड़ी वही विशलिस्ट वाली है, यानी कि वो डिमांडेड गाड़ी, और अगर हम लोग यहाँ पे इसे पार्क कर देंगे तो ये हमारे शोरूम में अवेलेबल हो जाएगी। और इस मिशन के साथ ही व्हील आर्क एंजल्स अनलॉक हो गया है, और ये एक तीसरे टाइप का कस्टम शॉप है। दो ऑलरेडी स्टोरी के हिसाब से कस्टम शॉप दिखा दिया गया है, तो उसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। कस्टम शॉप जिसमें गाड़ियों को मॉडिफाई करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, हम लोग यहाँ में एक गाड़ी को कस्टमाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ में कुछ अलग ही लेवल की कस्टमाइजेशन होती है। और यहाँ में कुछ ही गाड़ियों को कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं मालूम है कि कौन कौन सी, लेकिन हमको इतना मालूम है कि जो भी गाड़ियाँ इस शोरूम में अवेलेबल है वो सारी गाड़ियों को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलो इसी को लेकर चलते हैं।
फिलहाल यहाँ में एक ही गाड़ी है क्योंकि अभी तक हमने एक ही गाड़ी को कैप्चर किया है। अब इस गाड़ी को लेकर चलते हैं व्हील आर्क एंजल्स, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखा देते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप लोग ये ऑलरेडी जानते हो तो आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। नहीं नहीं, टनल वाला रास्ता में ट्रैफिक ज़्यादा है तो थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं। ओके, शायद यहाँ से ये गाड़ी पलट ना जाए बस। ओके ठीक है, इतना चलेगा। ठीक है, तो मैप के अकॉर्डिंग दिख रहा है, मतलब मिनी मैप के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये गाड़ी फ़िलहाल घुस जाना चाहिए। ओके, तो जल्दी से इसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे मॉडिफाई के लिए आ जाओ भाई। ठीक है, मॉडिफाई के लिए पेंट जॉब है। नहीं, ये नहीं, ये इस तरह के हम लोग नहीं कर सकते हैं बाकी मॉडिफाई शॉप में। ठीक है, नहीं ये, हाँ ये ख़तरनाक लग रहा है। और रेयर, नहीं ये बहुत सिंपल है। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। और कुछ स्पॉइलर, हाँ नहीं ठीक है। और क्या बच रहा है? व्हील्स, व्हील्स में क्या? नहीं ये बहुत सिंपल, नहीं ये भी नहीं। ठीक है, ऐसा करते कोई भी लगा देते हैं। ओके, अब नाइट्रो, ठीक है, ज़्यादा तो ज़रूरत है नहीं, दो ही। ओके, इतना इतना काफ़ी है। ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि कस्टमाइज़ करने के बाद ये ऑलमोस्ट इस तरह से दिखेगा, कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक। और सारे गाड़ियाँ सेम नहीं होने वाली, सारे गाड़ियों में अलग अलग तरह के कस्टमाइजेशन होती है। और हाँ, इसके रेयर में हम कुछ मिस करते हैं, खैर कोई बात नहीं, मतलब कि इस तरह से होता है, हम बस दिखा दे रहे थे आप लोगों को। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट मिशन की ओर। फिलहाल हम लोग सीज़र का ही करेंगे क्योंकि यहाँ से सीज़र का ही सामने है मिशन, तो हम लोग इसी को पहले कंप्लीट करेंगे। ओके, आराम से यहाँ, ठीक है। ओके, मिशन का नाम है टेस्ट ड्राइव। हे कार्ल, देयर्स टू कार्स ऑन द लिस्ट, एसे, एंड देयर इन द शोरूम अक्रॉस टाउन, लेट्स गो गेट देम। ऑलवेज एडमायर योर डायरेक्ट अप्रोच, हाउ ब्रे। ठीक है, तो विश लिस्ट की दो गाड़ियों के बारे में सीजर को पता चल गया, तो अब हम लोग वहीं जाएंगे। ओके, ठीक है। You know where? San Fierro, man. My home will always be the Barrios and El Corona, but this city, it has something gentle about it. Yeah, I know what you mean. Kendall seems to like it too, you know? Oh yeah, she's really getting her head into this business thing. That's good. She always been the brains of the family. She should get out together and we'll make something of herself. I think she's aiming to make something out of all of us, eh? Yeah, she the moms of the family now. Hey, who's this truth guy, Holmes? I don't think he's wrapped too tight. He just sees everything from a respect, that's all. At first, I thought he was just another acid casualty fruitcake. Some of the things he say, I don't know, man. It ain't all bullshit. Hey, you gonna become an alien hunter, Holmes? I'll take a rain check on that. Okay, so we reached. Here we go, Holmes. Hey, man, the cars are upstairs. What? How we gonna get them down? ठीक है, तो वो सेकंड फ्लोर में है और काफी टाइम बाद ट्रुथ का बात हुआ है। Can I help you two, gentlemen? Yeah, you can help us by going to help some other motherfucker. Yeah, that sounds like a good idea. All right, CJ, it's time to roll. Let's follow the leader. You better keep up. Ah, you a maniac, SA? ठीक है, चलो भाई, अब हमें सीजर को फॉलो करना है। ओके, नहीं नहीं, पुलिस वालों से अभी नहीं टकराना है। अरे भाई, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा ओके टेस्ट ड्राइव करेंगे इस गाड़ी का, जैसे कि मिशन का नाम है, और हमें सीजर से दूर नहीं जाना है। Hello, cop. What's up, you, eh?
ओके, तो पुलिस वालों की नज़र में हम लोग आ गए हैं, लेकिन यहाँ में सिर्फ और सिर्फ सीजर को ही ये लोग चेस करेंगे। हम सेफ हैं, बस हमको ध्यान रखना है कि पुलिस वालों से हम ना टकराएं। ओके, नाइट्रो भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग भी। ठीक है, ये रास्ता से भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे इसमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है, नहीं तो मिशन फेल हो जाएगा। मतलब कि अरे भाई, इसी टाइम मतलब कि सीजर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बनाना है, दूरी नहीं बनाना है। ओके, शायद ये लेफ्ट टर्न लेगा। ओके, हम कुछ ठीक है, सीजर को शॉर्टकट पता है। ठीक है, तो फिर पुलिस वाले आ चुके हैं और हम इन लोगों से नहीं टकराना चाहते, क्योंकि अगर हम टकरा गए तो ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। फिलहाल इन सबको सीजर के ही पीछे पड़े रहने दो। ठीक है, हम लोग को ओके, ये यही रास्ता से जा रहा है। ठीक है, सीजर को शॉर्टकट भी पता है, अच्छी बात है। अब आगे और पीछे पता है, पुलिस वाले ही आएंगे। और अभी एक सेकंड, सीजर आ रहा है या नहीं? ओके, आ रहा है, तो धीरे धीरे फिलहाल हम लोग जाते रहेंगे। ओके, सीजर थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट है। ओके, तो अब सीजर का ज़रूरत नहीं है, मैप में मार्क दिख रहा है येलो डॉट, यानी कि फुल स्पीड में जा सकते हैं। ठीक है, जैसे तैसे हम लोग ये गाड़ी को लेके आ ही गए। और कहाँ भाई? ओके, ये मिशन भी हमारा कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट मिशन भी हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस मिशन का नाम है कस्टम्स फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक, सुना सुना नाम है। It's in the manifold. Shit, I just changed that seal. Must have got a crimp in it. Damn. Hey, C's, your boy is here. He ain't my boy. Okay, ये हमारा आदमी नहीं है, ये कोई और ही है. Hey, we're almost living a normal life, huh? This is far from Grove Street, right? Yeah, I know, but I just can't get it out the back of my mind. Moms, sweet, smoke. I just can't let that go. I know. So what we gonna do about sweet? See, it's a shitty situation, but I gotta let it play out a little longer, okay? Okay, but be careful. We ain't trying to lose you again. That's right, sis. Good looking out. ठीक है, सीजे स्वीट को किसी न किसी तरीके से छुड़ाने का सोच रहा है। Hey, girl, I got a rap to you, Holmes. I know a guy who knows a guy who handles freight containers down on the docks. He saw one of the containers was loading up cars, and one was a match for a car on a customer's wish list. So he marked the container with a spray can, but it might be too late. The ship's loading and it moves out tomorrow. Okay. Let's go peep it out. See what we can see. ठीक है, तो कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। हम आप लोगों को पहले ही बता देते हैं कि इस मिशन में हम लोग गाड़ियों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम सीखेंगे। और वो अननोन पर्सन सीजर को हमारी विश लिस्ट वाली गाड़ियों में से एक गाड़ी की इन्फो दे गया है। How we gonna steal a car from container ship, Holmes? You know, the same way they got on. Use a dockside crane. ओके, तो सीजर को हाइट से डर लगता है, तो हमें ही क्रेन वाला काम यानी कि गाड़ियों को उतारने वाला काम करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं सुनना है। None of these is marked with spray paint. Well, we'll just have to try one at a time, eh? Okay, तो हमें सारे गाड़ियों को अभी उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो अननोन पर्सन था
उसने कहा था कि वो क्रेन में स्प्रे कर दिए रहेगा, लेकिन यहाँ में कोई स्प्रे नहीं है, तो हमें ही सारी गाड़ियों को वन बाय वन चेक करना पड़ेगा कि वो गाड़ी है या नहीं जो हमारे विश लिस्ट में है। ठीक है, ये गाड़ी हमारी विश लिस्ट वाली नहीं है, तो हमें फिर से मेहनत करना पड़ेगा। और इस मिशन में डेफिनेटली जो भी कंटेनर हम लोग पहले उठा ले, लास्ट वाले कंटेनर में ही वो गाड़ी रहता है, तो इसमें कोई ट्रिक हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें इसे ऐसा ही खेलना पड़ेगा जैसा गेम हमें खेलने के लिए दे रहा है। यानी कि अब तो पक्का तय है कि ये लास्ट वाला कंटेनर में ही वो गाड़ी रहेगी जो गाड़ी हमें चाहिए। तो जल्दी से जल्दी तो नहीं, क्रेन इतना ही स्लो है, तो जितना जल्दी हो सके इसे हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ओके, ये चिपक गया। अब जल्दी से इसको, वैसे जल्दी हम बार बार बोल रहे हैं लेकिन देखो, अरे अटक गया। ओके, नहीं नहीं ठीक है, क्या है ना, कभी कभी ब्लास्ट हो जाता है अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचाई से ड्रॉप किए तो। ओके ओके सीजे, दिस इज़ द वन, गुड वर्क होब्स। ठीक है, तो ये गाड़ी हमें मिल गया है और कुछ लोग आ चुके हैं हमें रोकने के लिए, तो पक्का इन लोगों को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, सीजर का हेल्थ दिखा रहा है, यानी कि सीजर को हमें बचाना होगा। और एक गाड़ी यहाँ आ रहा होगा, ठीक है इसे भी उड़ा देते हैं। ठीक है, ये बच गया, कोई बात नहीं। ये सीजर इतना आगे क्यों जा रहा है, वापस आओ भाई। ओके, तो ये दो आ गए। ओके ठीक है, सारे खत्म हो गए, बोलने का जरूरत नहीं है और कुछ, बैठ जाओ भाई सीजर। Easier way to earn a living than this. Sure, Holmes, I guess. But what else you qualified for? Yeah, I feel you. ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा बाय रोड नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं से इस गाड़ी को लेके जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रैच भी नहीं करने देना है, ठीक है, आराम से ले ही गए, लेकिन चढ़ान में थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हम लोग पहुँच गए। क्या है कि कुछ कुछ मिशन में अगर गाड़ियों को हम लोग ज़्यादा डैमेज करते हैं तो हमें अच्छा खासा पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो इस मिशन के साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला साइड मिशन अनलॉक हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये वांटेड में, मतलब कि विश लिस्ट में कुछ गाड़ियां हैं, इन सबको हमें खोजना है और यहाँ में एक्सपोर्ट करना है, मतलब इंपोर्ट करना है, शायद हम गलत बोल रहे हैं, इंपोर्ट करना है। बाकी गाड़ियों को भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो विश लिस्ट में गाड़ियां हैं वो ज़्यादा स्पेशल होते हैं, उसमें हमें ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड मिलते हैं, और वो वांटेड गाड़ियां ऐसे ही रास्ते में नहीं मिलेगी। इसका भी आप लोगों को एक डेमो दिखा देते हैं, क्योंकि इस तरह की वांटेड गाड़ियां आप लोगों को किसी खास लोकेशन पे मिलेगी और वो हमें खोजना पड़ेगा। एक तो बगल में ही है, वो हम दिखा देते हैं। ये रहा वो वांटेड गाड़ी, और इसे हमें वहीं क्रेन वाले जगह ले जाकर क्रेन के थ्रू इंपोर्ट करना होगा, लेकिन ये हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि मेन मिशन में ऑलरेडी क्या करना है ये हमें दिखा दिया गया है, तो दोबारा करने का जरूरत नहीं है, इसको हम अलग से कर ले रहेंगे। वैसे भी ये साइड मिशन है, फिलहाल मेन मिशन हम लोग करते हैं। ओके, तो हमारे नेक्स्ट मिशन का नाम है पंचर वुंड्स। Hey man, where you been? I tricked one of the cars on a shopping list. But the crazy bitch, she drives like the devil. I've been following her for hours, but she stops for nothing. You'd have to ram her off the road in order to get a chance to get her car, and you know a wrecked car is no good to us. I swear she's playing with me. Dude, calm down. If she playing with you, then she probably won't get one time involved until it turns ugly. We gotta find a way to stop her or slow her down. Too bad we can't involve the police.
Cause then we could pop her crazy bitch tires and bang her crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity! You know what? I think I got an idea. ठीक है, तो सीजर से जो हो नहीं पाया वो अब हमें करना पड़ेगा, मतलब वही विशलिस्ट वाली गाड़ियों में से एक और गाड़ी को हमें हथियाना है। और सीजर के कहने के मुताबिक गाड़ी को डैमेज नहीं करना है क्योंकि उसका डिमांड कम हो जाएगा। और दूसरा, पुलिस वालों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, वो गाड़ी तब भी हमारे हाथ से निकल जाएगी, तो वो सब हमें नहीं करना है। इसीलिए इस बार हम लोग स्टिंगर लेके जा रहे हैं जो इस गाड़ी में अटैच है। स्टिंगर वही चीज़ है जो पुलिस वाले गाड़ियों को रोकने के लिए उसे पंचर करते हैं ताकि गाड़ी को कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो और साथ ही साथ उसमें बैठे पैसेंजर और ड्राइवर को भी कुछ हार्म ना पहुंचे। और स्टिंगर हमारे पास सिर्फ 3 है, तो हमें बिल्कुल सावधानी पूर्वक और एकदम टाइमली यूज़ करना पड़ेगा। और वो पागल औरत कौन है जो ड्राइव करके भागी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल हमें उस गाड़ी तक पहुंचना है जो मैप में दिख रहा है, बस पहुंच गया है। ओके, तो अब हमें इस गाड़ी को पंचर करना है। ठीक है, तो पहले हम एक स्टिंगर गिरा। ओके ठीक है, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, उसको आने दो। उसके बाद हम लोग अब यूज़ करते हैं, देखते हैं। ठीक है ठीक है, ये हो गया पंचर। अब जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं और फोन कॉल। Popped her, just about to fix the tire. Should be back any minute. Okay, careful with that pouch repair shit. It's nasty stuff. Will do. Later, man. ठीक है, तो अब ये deflated tires को CJ ठीक करेगा, जो ये life में कभी किया नहीं है. All over my clothes. Okay, तो ये गाड़ी हो गया है एकदम ठीक, और इसे भी हमें पहुंचाना है गैराज में जितना जल्दी हो सके. ओके, तो ये नहीं 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 नहीं, ये तो जंप हो गया, ठीक है, थोड़ा सा डैमेज हो गया है, बट कोई बात नहीं, हम लोग इस गाड़ी को जैसे भी ले जा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको डैमेज ना हो। और हो गया, फिर हुआ, अरे भाई ये नहीं होने वाला। ठीक है, जैसा चाहे वैसे लेके जाएंगे, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम यहाँ नीचे से लेके जाते हैं, शायद थोड़ा जल्दी, अरे भाई थोड़ा जल्दी पहुँच जाए। ठीक है, मेरा यही सोच तो था, लेकिन सोचे थे किसी से भी टकराएंगे नहीं, और अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब तो भाई होना ही है। लो भाई, अब तो लाइन लाइन से होते जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग पहुँच ही गए हैं। ऑल राइट, तो ये मिशन भी हमारा हुआ कंप्लीट। जल्दी से अंदर घुसो और निकलो भाई। ठीक है, तो एसेट एक्वायर्ड वैंकार्स, यानी कि यहाँ के जो मिशंस हैं सीजर वाला, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ में 8000 मिलेगा मैक्सिमम। और इसी के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मिशन का जो लोकेशन है वो यहाँ से बहुत दूर है, तो इसको नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। सो सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको हम अलग से कर ले रहेंगे, वैसे भी ये साइड मिशन है।